उदाहरण नंबर दो हमसे कह रहा है कि किसी पिंड से एक सेकंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाते हैं, यानी 10^9 इलेक्ट्रॉनों को एक चालक तार में चलने के लिए एक सेकंड का समय लगता है। तो एक कुलाम आवेश का जब स्थानांतरण होगा तो उसमें कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक गेट है, उस एक गेट में से एक सेकंड में इतने आदमी जा रहे हैं, तो किसी बारात में जो व्यक्ति हैं वो उस गेट को कितने समय में पार करेंगे। तो सर हमें इसमें दो चीजें चाहिए, पहली चीज एक आदमी को जाने में कितना समय लग रहा है, दूसरा उस बारात में कुल कितने व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति को जाने में जितना समय लग रहा है उसको हम गुणा कर देंगे बारात के कुल व्यक्तियों की संख्या से। सवाल कह रहा कि एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो भाई साहब हमें कितने इलेक्ट्रॉनों को भेजना है, पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बताओ। हम कह देंगे कि साहब 10^9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक सेकंड में, एक इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना समय लगेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद में हमें कितने इलेक्ट्रॉनों को भेजना है उससे हम गुणा कर देंगे। तो हमें यहां पर प्रश्न चाहिए कि एक कुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आवेश की जब आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, गुणधर्म पढ़े हैं, तब आपने पढ़ा है कि आवेश क्वांटीकृत होता है, आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के रूप में चलता है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है सर, e की वैल्यू होती है 1.6 × 10^-19 कूलम। हमें कुल आवेश कितना स्थानांतरित करना है सर, कुल आवेश q जो है वो हमें भेजना है 1 कूलम। तो आवेश के गुणधर्मों में क्वांटीकरण में आपने एक प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लीजिए। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था q = ne, क्यों टोटल चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर करना है हमें, 1 कूलम का ट्रांसफर करना। तो ये प्रश्न दूसरे तरीके से ये भी पूछा जाता है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें जाननी बहुत जरूरी है, यानी हमें एन की वैल्यू चाहिए। तो एन की वैल्यू हो जाएगी सर q/e। क्यू क्या है, 1 कूलम, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10^-19। जब मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर लगेगा मेरे पास 0, 10 हो गया, नीचे हो गया 16, 10^-19 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +19, लेकिन 10 को 16 से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं यहां पे 10^19 में से एक जीरो यहां ले आता हूं और यहां लिख देता हूं 10^18। 100 को जब अपन 16 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 16 × 96, पॉइंट लगेगा 25, आप लोग डिवाइड कर लेना, × 10^18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी 1 कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उस बारात में इतने आदमी हैं, इतने आदमियों को उस गेट में से जाने में कितना समय लगेगा। हम लिखेंगे यहां पर चूंकि 10^9 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में कितना समय लग रहा है, 10^9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में जो समय लग रहा है वो है सर हमारे पास 1 सेकंड का। तो एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा सर, 1/10^9 सेकंड का लगेगा। हमें कितने ले जाने हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना है, 1 कूलम, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, स्थानांतरण में लगा समय, एक इलेक्ट्रॉन को जाने में लगा समय हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम 10^6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉनों को जाने में कितना समय लगेगा। अरे भाई साहब एक कॉपी का मूल्य, एक आदमी को जाने में लगा समय, एक इलेक्ट्रॉन को जाने में लगा समय जब हमारे पास है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को जाने में लगा समय निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो 6.25 × 10^18 इतना समय, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। 10^9 को हम यहां से हटा देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.25 × 10^11। 10^ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 9 ऊपर जाएगा तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 सेकंड हो जाएगा। 6.25 × 10^9 सेकंड का समय आ जाएगा। ये जो समय है ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये टाइम का बहुत बड़ा मान है। अब इतने बड़े मान को सेकंड के फॉर्मेट में ना लिख करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले मिनट में,
उसके बाद घंटे में, उसके बाद दिनों में और फिर वर्ष के अंदर। अगर इसी समय को अपन कंपेयर करें तो 6.25 × 10⁸ हो गया, 60 से डिवाइड करते ये मिनट बन गया, 60 से डिवाइड करते ये घंटे में बदल गया, 24 से डिवाइड करते ये है दिन में बदल गया, और 365 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास साल के रूप में या वर्ष के रूप में आ जाएगा। और अब हम इसके आगे जो मात्रक है वो वर्ष लिख देंगे। तो यदि आप इसको ईयर के अंदर, वर्ष के अंदर यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यह मेथड यूज करना है, अदरवाइज यहां तक आप छोड़ करके और इसके समय का मात्रक जो है वो आप सेकंड लगा करके छोड़ देंगे। एक सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। भैया एक इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना समय लगेगा? हमने लिखा 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में 1 सेकंड लग रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब हमें चाहिए एक कूलाम आवेश को स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। अरे भाई साहब पहले यह तो बताओ कि एक कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आवेश के गुणधर्मों में हमने पढ़ा है Q=ne, इस फॉर्मूले का यूज करके हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आपको आधी रात को समय भी याद होना चाहिए कि एक कूलाम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉनों को जाने में कितना समय लगेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन को जाने में लगा समय हमारे पास है तो इतने इलेक्ट्रॉनों को जाने में लगा समय निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दूसरा जो सवाल है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप फटाफट इस प्रश्न को नोट कर लीजिए।